Hello students, welcome back to our YouTube channel. So today is the third video lecture of thermodynamics. So before proceeding to our session, let's revise till now what we have learned. Okay, till now what we have learned in thermodynamics. So thermodynamics में अभी तक हम लोगों ने thermodynamics की definition देखी थी कि क्या होता है जब energy का exchange system and surrounding में हो, energy and matter का means you can say the transformation of energy between system and surrounding is basically thermodynamics, right? Okay. फिर हम लोगों ने देखा था कि कितने type के processes होते हैं, ठीक है? System और surrounding, system surrounding मिलके एक universe बनाता है, right? और कितने type के systems होते हैं? Open system होता है, closed system होता है और isolated system होता है, जिसमें हमने open system पढ़ा था कि when there is a exchange of energy and matter or substance, okay, with our system surrounding, then that is called open system. Closed system kya tha? When there is only exchange of energy, right? No exchange of matter, that is closed system. And isolated system hum log ne dekha tha, neither energy exchanges nor matter exchanges, that is called isolated system. Theek hai, jiska bahut acha example hum log ne thermoplast dekha tha. Okay. उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे आई थिंक, और फिर हम लोगों ने देखा था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट? सो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस जो डिपेंड करती है किस पे, मास पे या फिर साइज पे, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एडिटिव लाइक प्रोसेस होता है, ठीक है? जिसके एग्जाम्पल्स थे एंथैल्पी, एंट्रोपी, टोटल इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, ओके, गिब्स फ्री एनर्जी, राइट? और नेक्स्ट था हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिपेंड नहीं करती है मास और साइज पे, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है? एंड इट इज नॉट एन एडिटिव प्रोसेस, ओके? उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, क्या था? डेंसिटी था, कॉन्सेंट्रेशन था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, राइट? तो ये सारे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके? ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से 5 से 6 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में आप लोगों को आगे यूज भी होगा, और इसी के बेसिस पे पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? कौन कौन से प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहला प्रोसेस है, ऐसे आप लोग फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस. थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस. फोर्थ है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है? और एक लास्ट में आता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस. तो हम बेसिकली ये सारे प्रोसेसेस एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे क्या होते हैं ये. तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स आर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस. ओके स्टूडेंट, ठीक है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे. चलिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आप लोग नाम से ही देखो, आइसोथर्मल, थर्मल मींस हीट और टेम्परेचर, है ना? थर्मल मींस टेम्परेचर. तो व्हेन देयर इज डेल्टी इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, सो
del T is equals to 0. Temperature remain constant in that type of system where there is temperature remain constant, that is called isothermal process. Okay? Okay. Next chalte hai, adiabatic process. एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में ही डज नॉट चेंजेस, मींस क्या होगा इसमें? बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो हीट से रिलेटेड होता है. ठीक है स्टूडेंट, हीट से रिलेटेड होता है. तो अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस इन अवर सिस्टम एंड सराउंडिंग, मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेकिंग प्लेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, सो आप कह सकते हो कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, इसका इक्वेशन हो जाएगा डेल क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? डेल क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है स्टूडेंट, ओके ओके. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस. ये सारी चीजें आप लोग बाद में याद रखना, बहुत यूजफुल है और काम आएगी. साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ऐसी प्रोसेस जो कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके पूरा घूम के फिर उसी पॉइंट पे आके एंड हुई होगी. साइक्लिक प्रोसेस वही तो होती है. ठीक है, कोई एक कंप्लीट साइकिल. ठीक है स्टूडेंट, ओके. सो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी, दोनों ही चीजें जीरो के बराबर होती है. ठीक है, सो आप लोग लिख लो चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल इज इक्वल्स टू जीरो और चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. एंथैल्पी को हम लोग डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ई को एनर्जी. ठीक है, सो चेंज मतलब डेल हो गया. ठीक है, इसे कह दो चेंज, चेंज इन एनर्जी एंड दिस इज चेंज इन एंथैल्पी. और एंथैल्पी कैसे प्रोसेस होता है स्टूडेंट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था एंथैल्पी एंट्रोपी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं. तो साइक्लिक प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच देयर इज चेंज इन एनर्जी and change in enthalpy both equals to zero. Fine? Okay. Next चलते हैं. Next क्या है हमारा? Isochoric process. और उसके बाद आता है isobaric process. इसके नाम से पता चल रहा है कोरिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वॉल्यूम, हम लोगों ने अभी 9th-10th की क्लास में पढ़ा था. बारिक मतलब प्रेशर. ठीक है, तो जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मींस वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मींस यू कैन से डेल पी इज इक्वल्स टू जीरो एंड हियर डेल पी इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये दोनों प्रोसेस हमारे आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस हो गए. ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है. थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने 4-5 प्रोसेस पढ़े, आप लोगों ने देखा कितना ही इजी है. आइसोथर्मल जिसमें क्या था? हीट मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हुआ था? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो दैट इज व्हाई डेल क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. आइसोकोरिक, बारिक मतलब प्रेशर, सो डेल पी इज इक्वल्स टू जीरो. Isochoric means volume, so del V is equals to zero. And cyclic process means something is started from one point and end to that initial point. That is called cyclic process. So delta energy, मतलब del energy, change in energy and change in enthalpy is equals to zero. Fine student. So this is all about thermodynamic process. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. और ये सारा कुछ जितना syllabus है ये सारा NCERT पे ही है. Means without मतलब except NCERT I am not teaching a single word. Okay, so this is totally for your PGT and TGT examination. Okay,
डायरेक्टली यू कैन गेट द क्वेश्चन फ्रॉम माय लेक्चर. सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स पे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. बाय बाय.